नमस्ते दोस्तों, टेक एडीसी प्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है फ्रेंड, सीसीआरएएस की तरफ से। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस। यहाँ पे आप इसका हेड ऑफ भी चेक कर सकते हैं, न्यू दिल्ली में है। इन्होंने क्लरिकल पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन रिलीज किया, तो इसी के बारे में आज हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट डेट चेक कर सकते हैं। जो ऑनलाइन अप्लाई करने की जो डेट है 20 नवंबर 2019 है, और जो लास्ट डेट है 19 दिसंबर 2019। तो ये डेट्स के बिटवीन आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे लिखा है डेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन, यहाँ पे लिखा है टू बी इंटीमेटेड सेपरेटली। तो उसके डिटेल्स आप सीसीआरएएस के ऑफिशियल वेबसाइट में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अपर डिवीजन क्लर्क ग्रुप सी एंड लोअर डिवीजन क्लर्क ग्रुप सी के लिए रिक्रूटमेंट है। अपर डिवीजन क्लर्क के लिए टोटल यहाँ पे 14 वैकेंसीज है। यहाँ पे आप साइड में पे स्केल भी चेक कर सकते हैं, 5,200 से लेकर 20,200। देन यहाँ पे साइड में आप कास्ट वाइज भी वैकेंसी चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पे सेकंड है लोअर डिवीजन क्लर्क, तो ये टोटल 52 पोस्ट है। इसका भी जो पे स्केल है 5,200 से लेकर 20,200 है। देन यहाँ पे आपकी जो भी कास्ट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वैकेंसी चेक कर सकते हैं। तो टोटल फ्रेंड्स है 66 वैकेंसीज है। देन यहाँ पे हम देखेंगे एज लिमिट दोनों भी पोस्ट के लिए। यहाँ पे लिखा है 18 टू 27 इयर्स एज ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम द कैंडिडेट्स। और ये जो एज है फ्रेंड्स आपका 19 दिसंबर 2019 जो लास्ट डेट है वहां तक काउंट होगा। देन यहाँ पे लिखा है एज रिलेक्शन वेरेवर एप्लीकेबल विल बी एडमिशेबल टू द एलिजिबल कैंडिडेट्स ओनली एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। अगर आप कैटेगरी वाइज बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे एज रिलेक्शन भी मिलेगा। देन यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो लिखा है। फर्स्ट यहाँ पे है यूडीसी, मतलब अपर डिवीजन क्लर्क के लिए आपका यहाँ पे कोई भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होना जरूरी है। देन यहाँ पे है एलडीसी, मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिखा है 12th क्लास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। तो आपका मिनिमम यहाँ पे 12th क्लास पास होना जरूरी है। देन यहाँ पे लिखा है टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। तो इसी के साथ आपका यहाँ पे 35 WPM इंग्लिश टाइपिंग का स्पीड होना चाहिए, या वो नहीं है तो आपका 30 WPM हिंदी टाइपिंग होना जरूरी है। देन यहाँ पे जो रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन होने वाला है उसके बारे में दिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अपर डिवीजन क्लर्क एंड लोअर डिवीजन क्लैरिकल के लिए यहाँ पे लिखा है रिटन टेस्ट फॉर यूडीसी एंड एलडीसी विल बी हेल्ड ऑन द सेम डे इन डिफरेंट सेशन, डेट एंड टाइम विल बी इंटीमेटेड सेपरेटली। तो इसकी जो डेट है अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है, बाद में आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है फ्रेंड वहाँ पे ये चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पे जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है वो दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट है दिल्ली, औरंगाबाद, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, लखनऊ एंड चंडीगढ़। तो जो भी एग्जामिनेशन सेंटर के लिए आपको अप्लाई करना है फ्रेंड्स आप अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे जो अपर डिवीजन क्लर्क है वो पोस्ट के लिए सिलेबस आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। टोटल यहाँ पे 4 टेस्ट है। फर्स्ट है यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस, देन है इंग्लिश, देन है न्यूमेरिकल एंड लास्ट यहाँ पे है जनरल अवेयरनेस। तो इन चारों टेस्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 200, मार्क्स भी यहाँ पे 200 है एंड जो टाइम ड्यूरेशन है 120 मिनट्स। तो टोटल 2 घंटे की आपकी ये एग्जाम रहेगी। आप यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, देन है इंग्लिश, देन है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड लास्ट है जनरल अवेयरनेस। तो क्या क्या टॉपिक यहाँ पे एग्जाम में पूछेंगे आप यहाँ पे ये नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो वहाँ पे भी पूरी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पे जो एलडीसी मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क है उसका सिलेबस दिया है। यहाँ पे भी टोटल 4 टेस्ट है, जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड लास्ट है जनरल अवेयरनेस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें 100 रहेंगे, मार्क्स भी यहाँ पे 100 रहेंगे और इसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन है 90 मिनट्स, मतलब 1.5 घंटे की आपकी ये एग्जाम रहेगी। यहाँ पे भी आप जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड लास्ट है जनरल अवेयरनेस। तो क्या क्या टॉपिक एग्जाम में पूछ सकते हैं आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पे हम देखेंगे हाउ टू अप्लाई। यहाँ पे आप वेबसाइट चेक कर सकते हैं www.ccras.nic.in। देन यहाँ पे नेक्स्ट है ayush.gov.in, देन है ccrhindia.nic.in एंड लास्ट है यहाँ पे ccrya.gov.in। तो ये वेबसाइट में विजिट करके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई करने की जो डेट है 20 नवंबर से लेकर 19 दिसंबर 2019 है। तो ये डेट्स के बिटवीन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे हम देखेंगे एप्लीकेशन फी। द एप्लीकेशन फीस ऑफ ₹100 विल बी पेबल बाय जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स। अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे ₹100 एप्लीकेशन फी है। देन यहाँ पे लिखा है नो फी वुड बी पेड बाय SC ST PWD EWS वुमेन कैंडिडेट्स एंड एक्स सर्विसमैन। अगर आप SC ST PWD EWS या इसके अलावा वुमेन कैंडिडेट्स हो तो आपको किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन फी नहीं है। देन इसका रिलेटेड कुछ आपके डाउट्स या क्वेरीज है तो यहाँ पे आप ऑफिशियल ईमेल आईडी भी चेक कर सकते हैं ccrahishelp@yahoo.com। देन यहाँ पे take.nit2019@gmail.com, तो आप यहाँ पे भी ईमेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं ये वीडियो को समाप्त कर देता हूँ। आप ऐसे गवर्नमेंट, सेंट्रल या स्टेट लेवल जॉब नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।